गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 वंशानुक्रम तथा जैव विकास। और इसमें लास्ट वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि मेंडल ने किस प्रकार मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि गुण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में किस प्रकार स्थानांतरित होते हैं। हमने उसमें पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब एकल संकरण, जब उसने एक गुण को लेकर अध्ययन किया था, मतलब एक गुण का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। फिर उसने किया था दो गुणों को लेकर कि दो गुणों का अगर एक साथ अध्ययन करते हैं तो उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, वो उसमें क्या रिजल्ट आया, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जीन गुणों का निर्धारण कैसे करते हैं और मानव में ब्लड ग्रुप, वो अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप किस प्रकार होते हैं, उनका कारण क्या है, और मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो ये कुछ कंसेप्ट आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अगर ये टॉपिक बड़ा हो जाता है तो हम एक आधा टॉपिक छोड़ भी देंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम किससे, जीन गुणों का निर्धारण किस प्रकार करते हैं। तो शुरू करते हैं हम कि जीन गुणों का निर्धारण किस प्रकार करते हैं, मतलब जीन गुणों को कैसे नियंत्रित करेंगे। देखो, हम जानते हैं कि हमारा शरीर या सभी जीवित कोशिकाओं का शरीर, सॉरी सभी जीवित वस्तुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है, मतलब हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। और कोशिका की संरचना हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका में क्या होता है, मान लो ये कोशिका है और कोशिका में ये होता है उसका केंद्रक, और केंद्रक में होता है डीएनए। डीएनए कहे या गुणसूत्र कहे, एक ही बात है, क्योंकि डीएनए और गुणसूत्र में क्या अंतर है ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो केंद्रक में होता है डीएनए। अब हमें पढ़ना है कि जीन गुणों का निर्धारण किस प्रकार करते हैं, मतलब सारे के सारे फीचर्स जो बॉडी के अंदर आते हैं, कि कोई जीव लंबा है कि छोटा है, वो रंगीन है कि रंगहीन है, किसी भी प्रकार का, जैसे उसके बालों का रंग कैसा है। अगर मानव जाति में हम बात करें तो उसके बालों का रंग काला है या भूरा है, ये सभी गुणों का निर्धारण जीन करते हैं। और वो जीन इन गुणों को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। तो कोशिकाओं के अंदर डीएनए है, मान लेते हैं ये डीएनए है। एक बात याद रखना, डीएनए हमेशा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब डीएनए की कोई एक स्ट्रैंड नहीं मिलती, डीएनए की दो स्ट्रैंड मिलती है साथ में जुड़ी होके। इस प्रकार डीएनए की दो चेन साथ में होती हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ये डीएनए है। डीएनए की संरचना में मैंने आपको बताया था कि डीएनए को थोड़ी देर के लिए मान ले कि ये डीएनए है, जो इसमें छोटे छोटे से सेगमेंट होते हैं, ये सेगमेंट, और सबसे छोटा सेगमेंट जो होता है उसको बोला जाता है जीन। ठीक है, एक जीन एक गुण को नियंत्रित करता है, एक जीन एक गुण को नियंत्रित करता है, और ये डीएनए जुड़ के गुणसूत्र बना देती है। अगर मैं ये कहूँ कि ये गुणसूत्र है तो गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं, तो ये दो गुणसूत्र है। गुणसूत्र जोड़े में क्यों होते हैं, क्योंकि आधे गुणसूत्र होते हैं माता के और आधे गुणसूत्र होते हैं पिता के, मतलब इनमें से आधे आएंगे फादर की तरफ से और आधे आएंगे मदर की तरफ से। या सीधा सा अगर मैं ये कहूं, ये दो गुणसूत्र है, ये जोड़े में है। ऐसे ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसे ऐसे 23 जोड़े गुणसूत्र हमारी कोशिकाओं में होते हैं। अब एक मेल की बॉडी को और एक फीमेल की बॉडी को ध्यान से देखो, उनकी बॉडी में अंतर क्या है। उनकी बॉडी में सिर्फ सेक्स ऑर्गन का अंतर है, मतलब आपको फीमेल की बॉडी में ब्रेस्ट दिखाई देगी और उनके सेक्स ऑर्गन अलग हैं, और हमारी बॉडी में ब्रेस्ट नहीं है और हमारे सेक्स ऑर्गन अलग है, बाकी सारी की सारी बॉडी उनके जैसी ही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डीएनए, मतलब मेल का डीएनए और फीमेल का डीएनए, बहुत हद तक दोनों का समान ही होगा, क्योंकि जब पूरी बॉडी ही एक जैसी है, सिर्फ कुछ गुणों में अंतर है, तो उनके डीएनए में कुछ अंतर होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। तो जब एक कोशिका में गुणसूत्र आते, हमें पता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, तो ये मान लो आया मादा की तरफ से, ये आया नर की तरफ से, तो ये दोनों बनेंगे। अब जो गुण
मादा में है, मतलब यहाँ पे इस गुणसूत्र के ऊपर जो जीन होंगे वो जिस चीज को नियंत्रित करेंगे, जैसे माँ के अंदर अगर इस गुणसूत्र के ऊपर कोई जीन है जो उसके बालों के रंग को नियंत्रित करता है। अब ये गुणसूत्र दोनों में समान ही है, नर में भी और मादा में भी, क्यों? क्योंकि सारी की सारी बॉडी समान है, बस एक दो अंतर को छोड़ के, और वो एक दो अंतर एक गुणसूत्र में होता है, बाकी सारे के सारे गुणसूत्र समान होते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए बस, कि ये दो गुणसूत्र है, ये तो फादर की तरफ से है, ये मदर की तरफ से है। अगर इसमें ये कोई जीन है, ये छोटा सा जीन है, ये जीन नियंत्रित करता है बालों के रंग को, तो जो फादर की तरफ से जीन गुणसूत्र आएगा उसके ऊपर जो जीन होगा वो भी बालों के रंग को ही नियंत्रित करेगा। मतलब यहाँ पे जो जीन है इसमें मदर वाले गुणसूत्र में वो बालों के रंग के लिए है, तो फादर वाले गुणसूत्र में भी वो बालों के रंगों के लिए ही होगा, क्योंकि गुणसूत्र समान है। क्यों भी? क्योंकि गुणसूत्र क्या है? समान है। सिर्फ एक गुणसूत्र ऐसा होता है जो नर और मादा में अलग होता है, बाकी उसमें सारे गुणसूत्र समान होते हैं। तो अब जो गुणसूत्र जो जब समान ही होंगे तो जो जीन इस पे होंगे वही इस पे होंगे, तो अगर ये बालों के रंग के लिए है तो इसके भी बालों के रंग के लिए ही जीन होगा, याद रखना। इससे नीचे जो अगला जीन है, ये छोटा सा टुकड़ा, अगर ये स्किन के कलर के लिए है तो इसके अगला वाला ये भी स्किन के कलर के लिए होगा, ठीक है। इससे अगले की अगर हम बात करें, अगर ये किसी दूसरे गुण के लिए है, मतलब उसमें कानों का साइज कैसा होना है उसके लिए है, तो इस पे भी वो उसी गुण के लिए होगा, ये बात याद रखना। तो क्या कहने का क्या मतलब है कि एक गुण सूत्र पे जिस गुण को नियंत्रित करने वाले जीन होंगे, दूसरे गुण सूत्र पे भी उस जगह पे उसी गुण को नियंत्रित करने वाले जीन होंगे, बात समझ में आई। अब जीन, लेकिन एक बात याद रखना इनमें, कि जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों जीन समान रूप से प्रभावी हों। कहने का मतलब क्या है, इसमें जीन बालों के रंग के लिए तो होगा, तो हो सकता है कि ये जीन काले बालों को देता हो, मतलब इसके कारण हेयर कैसे आए ब्लैक, लेकिन इसके ऊपर हो सकता है वो किसके लिए हो, भूरे रंग के लिए होगा बाल के रंग के लिए, लेकिन वो रंग कैसा देगा, हो सकता है ब्राउन के लिए है, लेकिन इसमें किसके ऊपर है, ब्लैक के लिए है। मतलब उस जीन के दो अलग रूप होते हैं हमें पता है, वो दोनों रूप एक समान भी हो सकते हैं, वो दोनों रूप अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये भाई गुणसूत्र है किसके, ये गुणसूत्र है मटर के पौधे के, अगर यहाँ पे जीन था, ये छोटा सा टुकड़ा जीन है किसके लिए, टालनेस के लिए, तो इस पे दूसरे गुणसूत्र पे भी किसका होगा, टालनेस के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि टालनेस के लिए हो, ये ड्वार्फनेस के लिए भी हो सकता है, मतलब ये स्मॉल टी भी हो सकता है, बात समझ में आएगी। तो जब इसके ऊपर स्मॉल टी है और इसके ऊपर कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखाएगा, ये प्रभावी होता है, ये अप्रभावी होता है, ये हम पार्ट बात पढ़ चुके हैं मेंडल में, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट के उसमें। अब एक ये होंगे वृद्धि को नियंत्रित करने वाले, लेकिन आगे उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, हो सकता है दोनों स्मॉल टी है, ठीक है। अगर दोनों स्मॉल टी है तो कोई भी प्रभावी नहीं है, तो ये अपने गुण क्या दिखाएंगे, कुछ भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रभावी नहीं है, तो ये उस गुण को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या, ये वृद्धि नहीं हो पाएगी, ठीक है भाई। तो हम पढ़े थे क्या कि यहाँ से डीएनए, ये मैंने बनाया डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और समान डीएनए का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो होता है जीन, और एक जीन एक गुण को नियंत्रित करता है। जैसे अगर हम कहें कि टी टालनेस के लिए, मतलब सॉरी लंबाई के लिए, पौधे की लंबाई के लिए टी जीन है, अगर मैं कहूँ एच किसके लिए, हेयर के कलर के लिए है, ये जीन हेयर कलर के लिए है, या मैं कहूँ सी, सी किसके लिए है, स्किन कलर के लिए है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जीन से मिलकर डीएनए बनती है, बात समझ में आई। अब इस डीएनए ने, इस जीन ने बालों के कलर को कैसे दिखाया, उसने बालों के कलर में परिवर्तन कैसे किया, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस में बैठा हुआ है, केंद्रक में बैठा है, इसने बालों के गुणों को कैसे नियंत्रित कर लिया। देखो मैंने बताया था गुणों का नियंत्रित, गुणों को नियंत्रित कौन करता है,
गुणों को नियंत्रित करता है या तो एंजाइम करता है या करता है भाई हार्मोन, ठीक है। जैसे एक प्रोटीन है क्रिएटिन प्रोटीन, जिसके कारण हमारे बालों का स्ट्रक्चर बनता है, मतलब हमारे बाल ज्यादा हार्ड होंगे कि सिल्की होंगे, वो क्रिएटिन एक प्रोटीन पर निर्भर करता है। और प्रोटीन किससे बनते हैं, प्रोटीन का निर्माण कैसे होना है, ये किस पर निर्भर करेगा, तो गुणों का नियंत्रण कौन करता है, एंजाइम करते हैं या फिर हार्मोन करते हैं। लेकिन ये हार्मोन या एंजाइम ये किस प्रकार के बनने हैं, इसको नियंत्रित करने वाला कौन है, वो है जीन। देखो जीन जो होते हैं, सॉरी ये एंजाइम या हार्मोन क्या होते हैं, ये बनते हैं प्रोटीन से, किससे, प्रोटीन से। और प्रोटीन कैसा बनना, प्रोटीन किससे बनते हैं, ये बनते हैं अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल। अब बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ते हैं, जैसे मान लो कि भाई ये एक अमीनो अम्ल है, फिर दूसरा अमीनो अम्ल है, फिर तीसरा अमीनो अम्ल है, फिर चौथा अमीनो अम्ल है, पांचवा अमीनो अम्ल है, छठा, सातवां, इस प्रकार से ये अमीनो अम्ल जुड़े तो ये एक लंबी श्रृंखला बनी। इसी श्रृंखला का क्या नाम है, इस श्रृंखला का नाम है प्रोटीन। तो ये अमीनो अम्ल है एक दो तीन चार पाँच छ सात, ठीक है, ये ऐसे सीक्वेंस में जुड़े तो एक प्रोटीन बना। ये प्रोटीन बन गया, ये प्रोटीन आगे जाके क्या काम करेगा, ये प्रोटीन आगे जाके एंजाइम बन सकता है या फिर हार्मोन बन सकता है, ठीक है। फिर ये हार्मोन आगे जाके क्या करेगा, ये वृद्धि को नियंत्रित कर सकता है या जो भी इसका काम है। हार्मोन सिर्फ वृद्धि को नियंत्रित नहीं करता, बहुत सारे काम है जिनको नियंत्रित करते हैं। तो हार्मोन, जैसे ये हार्मोन अगर बना किसके लिए, ये वृद्धि के लिए है, तो ये हार्मोन निकल जाएगा और वृद्धि के लिए है तो वृद्धि हो जाएगी, और अगर ये नहीं निकला तो वृद्धि नहीं होगी, ठीक है, वृद्धि नहीं होगी, मतलब कम नहीं होगी। जैसे अगर ये डोमिनेंट है, अगर हार्मोन बनता है तो वृद्धि हो जाएगी, हार्मोन नहीं बनता है तो वृद्धि नहीं होगी। अब हार्मोन कब बनेगा और कब नहीं बनेगा वो देखते हैं। अब देखो प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल कहाँ पे है, अमीनो अम्ल देखो ये पड़े यहाँ पे, किसमें, कोशिका में पड़े, अभी ऐसे बिखरे पड़े हैं अमीनो अम्ल, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ऐसे लगभग 20 अमीनो अम्ल यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसमें एक इन अमीनो अम्ल को जुड़ना है, क्यों, क्योंकि इन्होंने बनाया है प्रोटीन। अब कौन सा अमीनो अम्ल आके जुड़ेगा, इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण करने वाला है जीन। कैसे करेगा, देखो ये जो जीन है, इन दो चेन में, जो डीएनए की दो चेन होती है, इनमें कोई एक ही सेंस स्ट्रैंड है, मतलब एक के पास ही मैसेज है, दूसरे के पास मैसेज नहीं होता प्रोटीन निर्माण के लिए। तो जो जीन है, जैसे ये चेन है भाई, इसके ऊपर ये छोटे छोटे टुकड़े हैं किसके, जीन के, ये जीन कलर के लिए है, स्किन कलर के लिए, ये हेयर कलर के लिए है, ये टी किसके लिए, वृद्धि के लिए है, ऐसे ऐसे जीन है। अभी ये जीन यहाँ से देखो, ये डीएनए है, ये इसके अंदर है, यहाँ से अब यहाँ एक चेन बनवाएगा, दूसरी एक मैसेंजर आरएनए बनती है, वो यहाँ से बाहर निकलती है, एक चेन निकलती है यहाँ से, ये समझ लो बस, वो बाहर आएगी ये लंबी चेन, इसके ऊपर ये मैसेज है इस प्रकार से, ठीक है, कोडोन होते हैं, इसके ऊपर कोड लिखे होते हैं, और वो कोड के हिसाब से, ये कोड लिखे होते हैं, ये कोड क्या करेंगे, उस कोड के हिसाब से एक एक अमीनो अम्ल जुड़ता रहेगा, एक इस कोड के हिसाब से एक अमीनो अम्ल, अगले कोड के हिसाब से दूसरा अमीनो अम्ल, इस कोड के हिसाब से तीसरा अमीनो अम्ल, इस प्रकार ये अमीनो अम्ल जुड़ेंगे और प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। मतलब जो चेन इधर से निकल के आई है उसमें कोड वर्ड छिपा हुआ है, मतलब उस कोड को पढ़ के ये समझ लो कि ये अमीनो अम्ल एक के बाद एक जुड़ जाएंगे और प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। फिर ये प्रोटीन यहाँ से निकल के पूरी बॉडी में चला जाएगा और बॉडी में जो इसका काम है वो काम ये करेगा, ठीक है भाई। तो हकीकत में प्रोटीन निर्माण किसने करवाया, किसने करवाया, डीएनए ने, डीएनए ने मैसेज भेजा, मतलब प्रोटीन निर्माण तो होगा अमीनो अम्ल से। अब अमीनो अम्ल तो 20 है, हो सकता है कि पहले फर्स्ट नंबर पे एक जुड़ना है, दो जुड़ने हैं, फिर तीसरा जुड़ना है, हो सकता है कि मैसेज ऐसा आ जाए कि फर्स्ट नंबर पे पांचवा अमीनो अम्ल जुड़ना है, फिर छठा जुड़ना है, फिर नौवां जुड़ना है, फिर
13वां जुड़ना है ऐसे ऐसे। तो अमीनो अम्ल जुड़ने कैसे हैं, किस सीक्वेंस में जुड़ने हैं, ये मैसेज देने वाला कौन है, ये मैसेज देने वाला है डीएनए। डीएनए बताता है कि अमीनो अम्ल किस प्रकार जुड़ने हैं, फिर वो अमीनो अम्ल जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, फिर वो प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर को बदलते हैं, एंजाइम और हार्मोन का रूप लेते हैं और फिर वो आगे जाके काम करते हैं। ठीक है भाई, जैसे अब इस पे आते हैं, अगर इस पे कैपिटल टी है, ये है दोनों पे, तो इसका मतलब है इसका इस डीएनए के ऊपर जो जीन है वो भी वर्किंग है और इसके ऊपर जो है वो भी वर्किंग है। दोनों के ऊपर जीन है जो फुल फंक्शनल है, मतलब ये वो प्रोटीन बनवाएगा, अगर वो प्रोटीन बन जाएगा तो वो प्रोटीन आगे वृद्धि करवाएगा, पौधा हो जाएगा लंबा। ठीक है, अब इसमें जो है ये स्मॉल टी का मतलब ये समझ लो भाई, इसका जो ये जीन है ना इस गुणसूत्र पे ये वर्किंग नहीं है, मतलब फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रहा, सिर्फ इसमें एक ही काम कर रहा है और ये है कौन सा, इस गुणसूत्र वाला। तो समझ लो ये क्या करेगा, ये तो काम कर रहा है ना, ये नहीं कर रहा, तो ये फिर प्रोटीन का निर्माण करवा देगा और इससे भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर भी स्मॉल टी है, स्मॉल टी का मतलब क्या है भाई, जीन वर्किंग नहीं है, स्मॉल टी को ये मान लो कि यहाँ पे जीन है ही नहीं, वो काम ही नहीं कर रहा, तो ये जीन काम नहीं करेंगे, अभी यहाँ भी काम करने वाला नहीं है और यहाँ भी काम करने वाला नहीं है, तो किसी पे भी काम करने वाला नहीं है, तो वो प्रोटीन का निर्माण ही नहीं हो पाएगा, और प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो वो प्रोटीन आगे वृद्धि हार्मोन क्या बनाएगा, कुछ भी नहीं बनाएगा, तो उस पौधे की वृद्धि नहीं हो पाएगी और पौधा रह जाएगा बौना। ठीक है, बात समझ में आई है। एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, जैसे हम अपने केस में ले लें, हेयर कलर में ले लें, जैसे अगर जो ये दो गुणसूत्र हैं किसी बच्चे के, एक की मदर जो थी वो ब्लैक हेयर की थी, उसकी माँ क्या थी, उसके काले बाल थे, और फादर के क्या थे, भूरे बाल थे, ब्राउन उसके बाल थे। तो ब्लैक के लिए अगर मैं मान लू एच किसके लिए है, ब्लैक हेयर के लिए, और ब्लैक मान लेते डोमिनेंट है, तो एक गुणसूत्र तो आएगा इसकी तरफ से, ये एच है, एच मतलब भाई ये ब्लैक नहीं है, ये मतलब ये अप्रभावी जीन है, अब ये प्रभावी है, तो इसके पास तो क्या होंगे, ये पूरे ब्लैक बाल है इसके, पूरे ब्लैक का मतलब क्या भाई, ये समझो कि डबल एच ये वाले हैं, और इसके पास कैसे हैं ब्राउन, ये समझ लो। तो जब इनके ये यहाँ से आएगा तो इसके ऊपर ये एच आएगा, और यहाँ से गुणसूत्र आएगा, यहाँ पे स्मॉल एच आएगा, यहाँ पे कैपिटल एच ये आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आएगी। अब ये इसके डोमिनेट करेगा तो बच्चे के अंदर गुण कैसे आएंगे, वो ब्लैक हेयर का होएगा, हालांकि उसमें देखो गुण तो इसके भी हैं, लेकिन ये इसके ऊपर क्या कर लेगा, डोमिनेट कर लेगा। अब क्या अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसमें साथ में दो स्मॉल एच आते हैं, तो वो बच्चा किस प्रकार का हो जाएगा, वो ब्राउन हेयर का हो जाएगा, और ब्राउन हेयर करेक्टर बनने तो वैसे ही है, डीएनए मैसेज देगा, अमीनो अम्ल अलग अलग सीक्वेंस में जुड़ेंगे, अलग अलग सीक्वेंस का प्रोटीन बनेगा, फिर वो प्रोटीन जाके अलग अलग काम करवाएगा, और इस प्रकार यह गुणों का निर्धारण करता है। ठीक है, पर ये तो था कि किस प्रकार डीएनए गुणों का निर्धारण करती है। देखो डीएनए केंद्रक जो होता है, केंद्रक सारी की सारी कोशिका को नियंत्रित करता है, ये समझ लो कि डीएनए के अंदर हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट छिपा होता है, कि मतलब हमारी बॉडी किस प्रकार की बननी है, हमारे हाथ पैर नाक कान सब किस प्रकार के बनने हैं, वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है हमारे डीएनए पे। तो हमारी पूरी बॉडी का एक ब्लूप्रिंट हमारे डीएनए के अंदर छिपा होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि एक मेल और फीमेल में जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े 23 पेयर्स इतने गुणसूत्र हैं, इनमें से 22 जोड़े जो होते हैं ना, 22 पेयर, वो तो बिल्कुल समान है, इक्वल है। मैंने बताया कि भाई मेल में और फीमेल में सारी चीजें समान है, हाथ पैर आंखें नाक कान सब समान ही तो है, पूरी बॉडी, सिर्फ सेक्स और उनको छोड़ के, इसका मतलब है डीएनए में बहुत हद तक समान ही है, बस कुछ डीएनए के अंदर अंतर है, बाकी सारी की सारी समान होती है। तो उन 23 जोड़ों में 22 जोड़े जो गुणसूत्र है ना, वो तो समान है, बिल्कुल समान है। तो यही कारण है कि जो ये हम
जो जीन लेते हैं ना, वो जो जीन जो हम लेते हैं वो पेयर में लेते हैं, क्योंकि जो ये गुणसूत्र हैं जब ये आएंगे मदर की तरफ से और फादर की तरफ से, ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, तो जब ये आके जुड़ेंगे तो एक के ऊपर जिस गुण को नियंत्रित करने वाला जीन होता है दूसरे पे भी उसी गुण को नियंत्रित करने वाला जीन होता है, और ये इसीलिए हम इनको ऐसे पेयर में लेते हैं कि ब्लैक को नियंत्रित करने वाला क्या है, HH। बात समझ में आएगी। तो ये था कि जीन गुणों का निर्धारण किस प्रकार करते हैं। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करते हैं कि जीन गुणों का निर्धारण किस प्रकार करते हैं। अगर हम एक टॉपिक और करने लग जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसी को समझ लेना अच्छे से कि जीन ने गुणों को किस प्रकार निर्धारित किया, मतलब जीन ने गुणों को किस प्रकार नियंत्रित किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता फिर भी तो कमेंट कर सकते हो, या इसको दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, साइंस आसान है अगर हम तरीके से पढ़े तो और समझे तो। ठीक है भाई, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।